हमारी आज की वीडियो बुक द स्लीप स्मार्टर पर है, जिसको शॉन स्टीवेंसन ने लिखा है। शॉन स्टीवेंसन एक ऑथर, कीनोट स्पीकर और पॉडकास्टर हैं। उन्होंने अपना नाम हेल्थ वर्ल्ड में बनाया और उनके इंटरव्यूज मैगजीन्स जैसे मेंस हेल्थ, मसल्स एंड फिटनेस, एंटरप्रेन्योर एंड वुमेन में भी पब्लिश हुए। स्लीप स्मार्टर में ऑथर आपको एक अच्छी नींद के 21 स्टेप की ओर ले जाते हैं। वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे कि नींद का कितना असर आपकी सेहत और आपकी प्रोडक्टिविटी पर होता है। ये बुक किसी के लिए भी एक आइडियल बुक है जो अपनी एनर्जी और वेलनेस को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है और साथ ही साथ नींद की क्वालिटी को बेहतर करना चाहता है। शॉन आपको रात को अच्छी नींद लेने के जरूरी कंपोनेंट्स की तरफ ले जाएंगे। नींद का कितना असर हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ता है, कुछ ऐसे सरप्राइजेस इस बुक में हैं। जब आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करते हैं तो आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे पहलू बेहतर होते हैं और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अच्छी हेल्थ के साथ एक बुक जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है वो है हाउ टू बी अ कैपिटलिस्ट विदाउट एनी कैपिटल, जो कि मनी एक्सपर्ट चैनल मनी FFNE ने रिसेंटली रिलीज की, जो फाइनेंशियल और मनी मेकिंग टिप्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वीडियो को देखकर मनी FFNE चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इस समरी को हम 21 अलग अलग टिप्स में कवर करेंगे, सो लेट्स बिगिन। स्लीप इज वैल्यूएबल। स्टीवेंसन की फर्स्ट टिप है नींद की वैल्यू को सच में समझना। ये सिर्फ आंखों को बंद करना नहीं है, नींद का आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल परफॉर्मेंस पर सीधा असर होता है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि एक सिंपल नींद की कमी बहुत सारे हेल्थ इश्यू लाती है, जैसे डिप्रेशन, मोटापा और इम्यून सिस्टम का वीक होना। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, पर अच्छी नींद लेने का सीधा असर हमारी ज्यादा काम करने की क्षमता पर होता है। हम सब बिजी लाइफ जीते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि कुछ घंटे कम की नींद मतलब कुछ घंटे ज्यादा काम। स्टीवेंसन पॉइंट आउट करते हैं कि नींद से ज्यादा काम को प्राथमिकता देना एक्चुअली काम करने की क्षमता को कम करता है। अपने आप को ज्यादा काम अलाउ करने के बजाय आप अपने आप को बर्नआउट, तनाव से भरा, स्ट्रेस से भरा हुआ, धीमा पाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। एविडेंस से पता चलता है कि अगर आप जरूरत से कम नींद लेते हैं तो आप 20% ज्यादा गलतियां करते हैं और इससे आपका काम और बढ़ेगा। ऑथर थोड़ा साइंटिफिक हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि नींद दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आपका ग्लूकोज कम हो रहा है। जब आपको दोपहर 3:30 बजे मीठा खाने का मन करता है, मतलब आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप नींद से वंचित हैं और आपको और ग्लूकोज चाहिए। जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने को है और डेडलाइन पास में आ रही है, तब अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम को स्केड्यूल करें। डेडलाइन को मीट करने के लिए नींद की कुर्बानी ना दें। सनशाइन। स्टीवेंसन हमें एनकरेज करते हैं कि बाहर निकलिए और रोज सनशाइन आवर्स मतलब धूप को एक्सपीरियंस करें। इसके पीछे साइंस एक्सप्लेन करती है कि लाइट सीधे आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी के क्रिटिकल हार्मोन ग्लैंड को सिग्नल देती है और हमें उठने के लिए एनकरेज करती है। नेचुरल लाइट को यूज करना इंपॉर्टेंट है। सनलाइट आपकी बॉडी क्लॉक को रेगुलेशन में लाने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करती है और ऑप्टिमम लेवल तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाना अलाउ करती है। क्या आपने मेलाटोनिन के बारे में पहले सुना है? एक मैजिकल चीज जो नींद में हेल्प करता है। एक्चुअली बॉडी में ये नेचुरली बनता है और नींद को एनकरेज करता है। आपको आपका लाइट का फिजिकल एक्सपोजर प्रभावित करता है। अगर आप शाम को कम और दिन में ज्यादा सूरज की रोशनी पाने के लिए काम कर सकते हैं तो आप पहले से बेहतर नींद और ऑप्टिमम बॉडी क्लॉक को बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाइए, खासकर सुबह 6:00 से 8:30 बजे तक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो दिन में बाहर आ जाइए और नेचुरल लाइट में वॉक करें। नो स्क्रीन्स एट बेड टाइम। हम हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं और स्क्रीन से बचना मुश्किल है, चाहे वो काम में आपके लैपटॉप की हो, फोन की हो या घर के टीवी की। हम लगातार स्क्रीन्स देखते हैं और आप अपने आप से ये पूछिए, रात को रोज बेड पर जाने से पहले हम किस तरह की स्क्रीन को घूरते हैं? स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि डिवाइसेस से बाहर निकलने वाली लाइट हमारी स्लीप साइकिल को खराब करती है। डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन को इंपैक्ट करती है। ये आपको जगाए रखेगी और आप पाएंगे कि रात को सोना मुश्किल है। सोने से 90 मिनट पहले डिवाइसेस के यूज को लिमिट कीजिए, इसके बजाय किसी बुक को पढ़ें। कैफीन कर्फ्यू। हम सभी के लिए कैफीन सुबह की पहली चीज है और जब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं हम इस पर पूरा दिन डिपेंड करते हैं।
जबकि स्टीवेंसन जोर देते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने की कि कैफीन एक ताकत बढ़ाने वाली चीज है। ये सुबह की सबसे अच्छी चीज है और ज्यादा काम को करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कारगर है। अगर इसे सोने से 6 से 8 घंटे पहले लिया जाए तो ये नींद की क्वालिटी के लिए हानिकारक है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि आपको एक कर्फ्यू लगाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को 10 बजे सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपकी लास्ट कॉफी दोपहर के 2 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि कैफीन का एकमात्र सोर्स कॉफी या चाय नहीं है, ये चॉकलेट्स दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स में भी पाया जाता है। कभी कभी कोल्ड एंड फ्लू की मेडिकेशन में भी कैफीन पाया जाता है। दोपहर के 2 बजे के आसपास कैफीन का कर्फ्यू लगाएं। कैफीन की 8 घंटे की आधी लाइफ होती है, जैसे 8 घंटे में 200 mg कैफीन 100 mg हो जाता है और उसके बाद 8 घंटे में 50 mg, वो आपके सिस्टम में काफी लंबे समय तक रहता है। इसलिए आप अलर्ट रहें अगर आप कैफीन ले रहे हैं तो। ऑप्टिमम टेम्परेचर कूल, ये कन्फर्म है। आप सब गर्मी में सोने की फीलिंग के बारे में जानते हैं, बेड पर इधर उधर टर्न करते हैं कि सोने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाए। एक अच्छी नींद लेने के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। थर्मोरेगुलेशन का स्लीप साइकिल पर एक बड़ा इंपैक्ट है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल तक स्लीपिंग टेम्परेचर को गिराना है, पर अगर बहुत गर्मी है तो आपकी बॉडी के लिए इसे कम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इस कारण से जरूरी है कि आपके बेडरूम में ठंडा एनवायरमेंट हो, पर ध्यान रखें कि ज्यादा ठंडा एनवायरमेंट भी ना हो। सोने से 1 या 2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मी से बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर सोने से पहले थोड़ी ठंडे लेवल पर आ जाएगा। बेड टाइम, सही टाइम पर सोना मुश्किल है। आसान है देर तक जगना और नेटफ्लिक्स देखना, और अचानक आधी रात हो जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपको फिर से सुबह 6 बजे उठना है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि सही समय पर सोना क्वालिटी ऑफ स्लीप को ड्रामेटिकली बेहतर करता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि रात 10 बजे से 2 बजे तक सोने की मैजिकल विंडो है। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये हार्मोन्स के डिस्चार्ज होने से होता है और इस टाइम के बीच हार्मोन्स सबसे अच्छा रिकवर करते हैं। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि आप कितना घंटे सोते हैं। शायद आप 6 घंटे सोते होंगे, पर अगर 4 घंटे रात के 10 बजे से 2 बजे तक हैं, तो आप किसी और से बेहतर कर रहे हैं जो 6 घंटे की नींद 2 बजे से सुबह 8 बजे तक लेते हैं। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप रात को 10 बजे तक सोए नहीं हैं, तो आपकी बॉडी रात के 10 बजे तक थक जाने के बाद फिर से काम करने की कोशिश करती है, जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे नींद टफ हो जाती है। सो अपनी तरफ से 10 बजे सोने की पूरी कोशिश करें। मैजिकल मैग्नीशियम, स्टीवेंसन मैग्नीशियम के बारे में खुलकर बताते हैं। ये एक नेचुरल अकरिंग मिनरल है जो बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन, सर्कुलर इंप्रूवमेंट, पेन को कम करना, मसल्स को रिलैक्स करना और ओवरऑल स्ट्रेस को खत्म करता है। एक ऑलराउंडर होने की वजह से जब भी ये बॉडी में जाता है, काफी एरियाज पर काम करता है और सारी बॉडी में जल्दी यूज होता है। हम में से 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम बाथ सॉल्ट्स या बॉडी सॉल्ट से आता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको एनकरेज करता है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों सोर्सेज में से किसी का भी ज्यादा होना बॉडी में उनके बेनिफिट्स को डाइजेशन के दौरान खत्म कर देता है। मैग्नीशियम इन्फ्यूजन को अपने बेड के साइड पर रखें और दर्द वाली स्ट्रेस्ड चेस्ट, गर्दन और कंधों पर लगाएं। स्लीप सेंचुरी, कई लोग शायद गिल्टी फील करते हैं जब वो अपने बेडरूम को मल्टीपर्पज रूम की तरह यूज करते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, अपने काम को करने के लिए, एक मूवी देखते हुए खाने के लिए, जबकि इनका हमारी नींद पर बहुत नेगेटिव असर होता है। बेडरूम सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज होना चाहिए, सोने के लिए, दूसरा अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम के लिए। एक और चीज जो बेडरूम में कंसीडर होनी चाहिए वो है ताजी हवा। बेडरूम में रोज ताजी हवा का सोर्स होना चाहिए। ताजी हवा ना लेने से रूम में हवा बासी हो जाती है और हवा में आयन्स अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने लगते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आयन्स चाहिए क्योंकि वो एनर्जाइज करते हैं, स्मेल और आपके घर में दूसरी खराबियों को हटाते हैं। अपने बेडरूम में कम से कम एक हाउस प्लांट जरूर रखिए और अपने काम को बेडरूम से दूर रखिए। द ओ, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, बेडरूम का यूज सिर्फ 2 चीजों के लिए होना चाहिए, सोने के लिए और अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम के लिए। यह हमारी बॉडी से केमिकल को रिलीज करता है जिससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है। ब्लैकआउट, रात को सोने का एक कारण है और हम अंधेरे में सोने के लिए नेचुरली बनाए गए हैं। कोई भी रोशनी का सोर्स हमारी नींद की क्वालिटी पर असर करेगा और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप आंखों पर मास्क पहनकर इसे फिक्स कर देंगे। रोशनी स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर रोशनी आती है तो आप उसे फिक्स करें। लाइट और पॉल्यूशन से बचने का एक अच्छा तरीका है ब्लैकआउट कर्टेन्स। रोशनी देने वाले डिवाइसेस को हटा दें और एक हल्की रोशनी देने वाली अलार्म क्लॉक को लगाएं। ट्रेन,
नींद सिर्फ रेस्ट लेने का प्रोसेस नहीं है बल्कि एक बॉडी रिकवरी प्रोसेस भी है। एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स और बॉडी टिश्यू डैमेज होते हैं, नींद से वो सब कुछ रिपेयर होता है। जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको रिपेयरिंग और रिकवरी के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। स्टीवेंसन मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। अगर आप रात को एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के पास एनफ टाइम नहीं होता कि वो अपने कोर टेम्परेचर को कम कर सकें। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, आपको अपनी बॉडी को सही नींद के लिए ठंडा करना पड़ता है। टेक स्टेज आउट ऑफ द बेडरूम, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसा हमने डिस्कस किया, ब्लू लाइट स्क्रीन्स और अपने काम को बेडरूम में देखना बहुत डेंजरस है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिन लोगों के बेडरूम में डिवाइसेस होते हैं और सोने से पहले वो लोग उन्हें यूज करते हैं, वो और दूसरे लोगों के मुकाबले सोने में ज्यादा समय लगाते हैं और ज्यादा समय तक ठीक से सो नहीं पाते। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिवाइसेस हार्मफुल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स छोड़ते हैं, इसलिए हेल्थ के पॉइंट से सबसे अच्छा है कि इन्हें बेडरूम से बिल्कुल दूर रखें। एक पुरानी ओल्ड फैशन अलार्म क्लॉक का यूज सुबह जागने के लिए करें। बेड पर जाने से पहले अपने पार्टनर से बात करें और अच्छा वक्त बिताएं। बी हेल्दी। इंटरेस्टिंगली, नींद की क्वालिटी में एक और फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो है आपका वेट। अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा है तो शायद आपकी नींद की क्वालिटी कम होगी। मोटापे से आपके ऑर्गन्स, एंडोफिन्स और नर्वस सिस्टम पर होने वाला स्ट्रेस आपकी कम होती नींद की क्वालिटी से लिंक्ड है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि कॉर्टिसोल मतलब एंटी स्लीप हार्मोन मोटे लोगों में बहुत कॉमन है। हर खाने में क्वालिटी न्यूट्रिशन, फैट्स का एक अच्छा बैलेंस, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कार्ब्स आपके इंसुलिन लेवल पर असर करेंगे। अच्छी हेल्थ को पाने के लिए फैट्स की क्वालिटी और प्रोटीन पर ध्यान दें, होल फूड पर ध्यान दें और प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। बेड पर जाने से पहले फूड को अवॉइड करें, स्पेशली जैसे कार्ब्स। अच्छे खाने से दिन की शुरुआत करें, कार्ब से नहीं, क्योंकि ये आपके इंसुलिन को बढ़ाएगा। बूज, काफी सारे लोग अल्कोहल के लेने को जल्दी सोने से लिंक करते हैं, जबकि जिस स्पीड से आप सोते हैं उसका आपकी नींद की क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी बॉडी और ब्रेन पूरी तरह से बंद नहीं होगा अगर आपने ड्रिंक की है तो, और आप गहरी नींद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो सोने से कुछ समय पहले इसे बंद कर दें, ठीक 4 घंटे पहले, और ध्यान रखें कि ड्रिंक करने से पहले खूब सारा पानी पिएं। स्लीपिंग पोजिशन मैटर्स। जब आप सोते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल हों। और स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरीके से आप सोते हैं वो आपके नींद की क्वालिटी पर असर करता है। दिमाग में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन और आपका सांस लेना बॉडी के बहुत क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं, और कुछ पोजीशन ये फंक्शन बेहतर बनाती हैं। उल्टा सोना स्पाइन और पाचन शक्ति के लिए अच्छा है, हालांकि ये स्लीप एपनिया और खर्राटों से रिलेटेड होता है। सीधा सोना ये खर्राटों को दूर करता है, लेकिन सावधान रहें कि आप अपनी गर्दन पर चोट ना लगा लें, इसलिए तकिए को हटा दें और एक घुटने को लिफ्ट करके जगह बनाएं। साइड से सोना, ये सोने का एक बहुत ही कॉमन और सबसे नेचुरल तरीका है, डाइजेशन के लिए अच्छा और हर्ट बर्न को कम करता है। कोई भी ऐसी पोजीशन को चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। काम बिफोर बेड। आप बेड पर जंप करने की फीलिंग से कितने फेमिलियर हैं, और एकदम से आपका दिमाग चला जाता है प्लानिंग, सोचने में, क्वेश्चन पूछने में। यह आपकी नींद को खराब करता है और आपको ज्यादा देर तक जगाए रखता है। स्टीवेंसन सजेस्ट करते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जो ना सिर्फ सोने के लिए बल्कि आपकी लाइफ के बहुत एरियाज का सॉल्यूशन है। स्टीवेंसन एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है जो स्ट्रेस को कम करते समय अच्छे हार्मोन्स और एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता, सिर्फ आपको दिन में 10 मिनट चाहिए। सुबह के टाइम मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा बेनिफिटेबल होता है। इस टाइम आपका दिमाग पहले से ही अल्फा स्टेट के पास होता है। एक गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए। सप्लीमेंट्स। स्टीवेंसन इस बात पर जोर देते हैं कि सप्लीमेंट्स को लेना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पर अगर आप पहले डिस्कस किए हुए तरीकों को अपना चुके हैं तो आप सोने में मदद करने वाले सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कैमोमाइल, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मसल्स और नर्वस सिस्टम को आराम देती है। आप इसे चाय में रात को सोने से पहले ले सकते हैं। कावा कावा, ये फिजी की एक ड्रिंक है। इसमें एक नेचुरल संतोष देने वाली चीज है जो सोने के लिए लिए जाने वाले टाइम को कम करती है। वेलेरियन, ये एक और जड़ी बूटी है जो सिडेटिव से भी स्ट्रांग है। अगर ये चाय के साथ ली जाए तो ये आपको कंसिस्टेंटली अच्छा सोने में हेल्प कर सकती है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ऐसे एविडेंस हैं कि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने की नेचुरल एबिलिटी को कम करते हैं। आपको सोने में मदद करने के लिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले इस बुक में दिए गए सभी टैक्टिक्स को यूज करें। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इस समरी की शुरुआत में हमने आपकी स्लीप साइकिल पर सनलाइट की इंपॉर्टेंस पर बात की थी। दिन को बनाने के लिए जल्दी उठकर नेचुरल लाइट लेना एक सही तरीका है। ये आपको नेचुरल सर्कैडियन रिदम और आपकी बॉडी में सही तालमेल लाने में मदद करता है।
स्टीवन सबसे ज्यादा जल्दी उठने की बात पर जोर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक मोटिवेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और आप पाएंगे कि आपने और ज्यादा काम किया। रोज रात को बेड पर सोने के समय से 30 मिनट पहले जाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो अपनी नींद वीकेंड में पूरी कर लेंगे और वो वीक में कम सोते हैं। आपको अपने इस अजीब से स्केड्यूल को बाहर फेंकना है। बेडवेयर, आप क्या पहनकर सोने जाते हो? स्टीवनसन पजामास पहनना सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स मूड में ले जाता है। आपके पीजेस बहुत कंफर्टेबल और लूज फिटिंग के होना जरूरी है। आप इनर वेयर्स को उतार कर भी सो सकते हैं जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा। ग्राउंडिंग, स्टीवनसन ग्राउंड से जुड़े होने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम भाग दौड़ वाली लाइफ जीते हैं, अपने घर को छोड़कर कार में अपने कामों के लिए निकलते हैं, हमेशा जूते पहनते हैं जो हमारी बॉडी और अर्थ के बीच एक बैरियर बन जाता है और ये सब हमारी स्लीप और हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। साइंटिफिकली जमीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस है और हमारी बॉडी कंडक्टर के रूप में काम करती है। हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा अर्थ से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। एविडेंस से पता चलता है कि जब हम सीधा अर्थ के संपर्क में आते हैं, अर्थ की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं। जमीन पर चलने की रेगुलरली कोशिश कीजिए। नाइट टाइम रिचुअल्स, स्टीवनसन एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ रिचुअल्स का होना और एक रूटीन को इम्प्लीमेंट करना अच्छी नींद की क्वालिटी के लिए जरूरी है। शाम को एक रूटीन बनाने की आदत डालें। आपको इसे प्रोसेस में लाना है और ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस बन जाएगा। सोने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आप सोने के मूड में हैं और आराम करने का वक्त लें। फिक्शन पढ़ें, नहाएं, जर्नल लिखें, उन बातों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या मेडिटेट करें। तो दोस्तों, दिन में सूरज की रोशनी लें, बेड पर जाने से पहले स्क्रीन्स को ना देखें, सोने से 6 से 8 घंटे पहले कैफीन ना लें। आपको अच्छे से सोने के लिए थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। रात को 10 बजे से 2 बजे तक सोना जरूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैग्नीशियम का यूज हेल्पफुल है। बेडरूम को सिर्फ 2 काम के लिए यूज करें। हमें अच्छे से सोने के लिए पूरा अंधेरा चाहिए। आप हेल्दी बने, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, अल्कोहल ज्यादा ना लें, सोने की सबसे अच्छी पोजिशन को कंसिडर करें, मेडिटेशन करते रहें, हर्बल सप्लीमेंट्स का यूज करें, सुबह जल्दी उठें, बेड टाइम को ट्रिगर करने के लिए पजामास को पहने, ग्राउंड से अपने आप को जोड़कर रखें, शाम के समय एक रिचुअल बनाएं जिसे आप रोज फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये 21 पॉइंट आपको अपनी लाइफ में अच्छी नींद के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।